हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाश की के भाग 16 में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य बिंदु हैं परावर्तक दूरदर्शी। पिछली कक्षा में हमने अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ी थी, अब की आज हम परावर्तक दूरदर्शी पढ़ेंगे। इसमें हम कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी पढ़ेंगे, उसके किरण आरेख को जानेंगे और आवर्धन क्षमता को जानेंगे। तो सबसे पहले परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी क्या है? तो सबसे पहले तो दूरदर्शी वह वस्तु होती है जो बहुत दूर स्थित वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनाए जो नेत्र पर बड़ा दर्शन को आंतरित करती है। और परावर्तक दूरदर्शी बहुत दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन द्वारा की घटना द्वारा बनाती है, अर्थात इसमें हम अभिदिश्यक के रूप में लेंस ना लेकर एक दर्पण लेते हैं। आपको याद होगा कि हम खगोलीय दूरदर्शी में उत्तल लेंस लेते थे अभिदिश्यक में, लेकिन उसकी जगह जो काम उत्तल लेंस करता है वही काम अवतल दर्पण कर सकता है। तो बड़े द्वारक का हम अवतल लेंस अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अभिदिश्यक का द्वारक बड़ा होना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक किरणों को ले सके, प्रतिबिंब चमकीला बने और अभिदिश्यक की फोकस दूरी भी बड़ी होनी चाहिए। तो बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाना एक बहुत खर्चीला काम है, कठिन काम है और उसमें विभिन्न प्रकार के दोष भी आ जाते हैं, वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन। तो जब हम लेंस के स्थान पर दर्पण का उपयोग करेंगे तो वर्ण विवर्तन का दोष तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वर्ण विवर्तन अपवर्तन की घटना से आता है। तो दर्पण में परावर्तन है इसलिए वहाँ वर्ण विवर्तन का तो दोष समाप्त हो जाएगा। और चूंकि अभिदिश्यक को हम अवतल दर्पण परवलयाकार आकृति का लेंगे, गोलीय आकृति का ना लेकर परवलयाकार आकृति का लेंगे, तो फिर गोलीय विवर्तन भी दूर हो जाता है जो कि दर्पण या लेंस की गोलीय आकृति के कारण आता है। तो इस प्रकार परावर्तक दूरदर्शी में अभिदिश्यक के रूप में अगर हम परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो ये वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन के दोषों से मुक्त हो जाता है। बड़े द्वारक का दर्पण बनाना भी आसान है कंपेरेटिवली उत्तल लेंस से, इसलिए परावर्तक दूरदर्शी हमारी बेटर होती है खगोलीय दूरदर्शी अपवर्तक दूरदर्शी से। तो परावर्तक दूरदर्शी में हम कैसेग्रेन दूरदर्शी पढ़ेंगे। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है किरण आरेख में कि अभिदिश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। एक पाइप के भीतरी सिरे पर अवतल दर्पण यह आपका लगा हुआ है। इस अवतल दर्पण पर वस्तु अनंत से प्रतिबिंब के लिए किरणें आ रही हैं और नेत्रिका द्वारा हम नेत्र द्वारा अंतिम प्रतिबिंब को देखेंगे। बीच में एक हम और हेल्पिंग दर्पण यूज करें हैं जो कि उत्तल दर्पण के रूप में है। अब हम इस किरण आरेख को समझेंगे कि बहुत दूर अनंत से आने वाली किरणें देखें, समांतर किरणें आ रही हैं अनंत से आने वाली, ये जब पाइप के थ्रू अवतल दर्पण पर गिरती हैं तो अनंत से आने वाली किरणों को अवतल दर्पण अपने फोकस की ओर भेज देता है। तो जब इन किरणों को अवतल दर्पण ने अपने फोकस की ओर भेजा तो उसके फोकस से पहले ही आपने एक उत्तल दर्पण रखा है। ये उत्तल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके नेत्रिका में भेज देता है और जहाँ से नेत्र लेंस उसका प्रतिबिंब बनाकर देख लेता है। तो इस प्रकार आपको परावर्ती दूरदर्शी तो कैसे ग्रेन दूरदर्शी है उसका किरण आरेख समझ में आ गया। हम अब इसकी आवर्धन क्षमता के बारे में जानेंगे। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाएंगे तो आवर्धन क्षमता का सूत्र अभिदिश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो इस कक्षा में आज हमने परावर्तक दूरदर्शी के बारे में जाना, जिसके मुख्य बात ये थी कि अभिदिश्यक के रूप में हम उत्तल लेंस का उपयोग ना करके बड़े द्वारक का परवलयाकार अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग करने से बड़ विवर्तन और
गोली विपथन दोनों दूर हो जाते हैं। और कैसे ग्रेन दूरदर्शी में इस व्यवस्था को हमने देखा, उसके किराड़ा रेख को देखा और आवर्धन क्षमता का सूत्र हमने जाना। तो इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है इसकी भी समरी हम लोग को जान लेनी चाहिए। पूरे चैप्टर 9 में हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था। तो रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसमें मुख्य था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसमें हमने दर्पण का सूत्र पढ़ा था, 1/f = 1/v + 1/u हमने दर्पण का सूत्र निर्मित करा था, दर्पण के किरणा रेख के बारे में जाना था। फिर इसके पश्चात हमने अपवर्तन जाना था, रिफ्रैक्शन जाना था। तो इसमें हमने स्नेल के नियम को जाना था, sin i / sin r का मान n के बराबर होता है। रिफ्रैक्शन में हमने समतल पृष्ठों पर रिफ्रैक्शन जाना था, जहाँ क्रांतिक कोण जाना था, और क्रांतिक कोण से अगर बड़ा कोण हो जाए सघन माध्यम में आपतित किरण के लिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अर्थात हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन को जाना था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कुछ घटनाओं को जाना था, मरीचिका के बारे में जाना था हमने, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जाना था। फिर हमने स्फेरिकल सरफेस गोलीय पृष्ठों पे अपवर्तन को जाना, जिसमें सिंगल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र अगर आपको बच्चों याद आ रहा है तो n/(n2/v - n1/u) = (n2 - n1/r) के रूप में इस सूत्र को जाना था। इसके पश्चात हमने लेंस को जाना, लेंस का सूत्र जाना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जाना था, लेंस बनाने वालों का फॉर्मूला जाना था, किरण आरेख जाने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हमने बहुत जानकारी हासिल की। फिर हमने प्रिज्म के बारे में जाना, प्रिज्म से अपवर्तन जाना, प्रिज्म से किरणों का विचलन होता है, डेविएशन होता है और परिक्षेपण होता है, डिस्पर्शन होता है, इनके बारे में जाना। इसकी कुछ घटनाओं के बारे में हम लोग ने जाना, जहाँ पर हमने रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में भी जाना था। फिर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रकाशिक यंत्र जाने, जिसमें माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप के बारे में जाना। सूक्ष्मदर्शी में हमने सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जाने, इनके किरण आरेख जाने, इनके आवर्धन क्षमता का सूत्र देखा। टेलीस्कोप में भी हम लोग ने खगोलीय और परावर्तक दूरदर्शियों के बारे में जाना। तो इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले चैप्टर में हम अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे। तब के लिए धन्यवाद।